दीनदयाल उपाध्याय गोरखपुर विश्वविद्यालय शनिवार को बॉटनी डिपार्टमेंट में छात्र छात्राओं के बौद्धिक विकास एवं नव इनोवेशन के लिए नेशनल काउंसिल ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी कम्युनिकेशन डिवीजन और डिपार्टमेंट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी द्वारा लेट बी मोटिवेशन योर इनोवेशन एंड इनोवेशन बी योर मोटिवेशन के द्वारा छात्र छात्राओं में मोटिवेशन और इनोवेशन के प्रति जानकारी दी गई। कार्यक्रम के चीफ गेस्ट प्रोफेसर SN मिश्रा, गेस्ट ऑफ ऑनर प्रति कुलपति प्रोफेसर हरिशरण और बॉटनी विभाग के विभागाध्यक्ष प्रोफेसर VN पांडे, बॉटनी विभाग की प्रोफेसर मालविका श्रीवास्तव, प्रोफेसर स्मृति मल, प्रोफेसर पूजा सिंह सहित बड़ी संख्या में बॉटनी विभाग के छात्र छात्राएं मौजूद रहे। इस संबंध में गोरखपुर न्यूज से बात करते हुए बॉटनी विभाग के विभागाध्यक्ष प्रोफेसर VN पांडे ने कहा, और मार्गदर्शन दें जिससे आपका जो है भविष्य उज्ज्वल हो, अच्छे रास्ते पे चलें, उनका भी स्वागत के लिए साथ ही डॉक्टर स्मृति मल यहाँ बैठी हुई हैं, जो अभी स्पेन में वेलेंसिया जाने वाले, तो इनकी भी आत्मा को तो हमारा अभिनंदन सब बंधन अस्तवन सब है, लेकिन ये चूंकि शरीर में साक्षात भौतिकता में छोटे हैं, तो इन लोगों के साधुवाद है हमारी संतों से साफ सफाई में जो भी हमारी संसाधन है, हमें आगे बढ़ना है, ऐसे छात्रों का बहुत ही स्वागत है, मुझे आगे बढ़ना है, ऐसे छात्रों का इतना स्वागत है, इतना स्वागत है, अपूर्ण जितना हो सकता है उनका स्वागत है, उनसे अप्रतिम प्रेम है कि उनको आगे ना आपने पूरी शक्ति के साथ पूरी परिश्रम का आपका खूब स्वागत है, स्वागत है उनका, हमारे तरफ से अभिनंदन है। यहाँ फिर भी मेरे थोड़ी एक उस स्वागत भाषा अपने स्वागत भाषा में जो हमारे पुराने शिक्षक रहे हैं, He was 86. This is the power of innovation. He had a motivation, he persevered it, and it created history. आज भारत सरकार के तहत डिपार्टमेंट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी में NCST के तहत मोटिवेशन एंड इनोवेशन प्रोग्राम फॉर साइंस स्टूडेंट्स का कार्यक्रम हो रहा है, जिसमें 100 विद्यार्थी भाग ले रहे हैं और उनको मोटिवेट करने के लिए हम लोगों ने एक स्लोगन दिया है, लेट बी मोटिवेशन योर इनोवेशन एंड इनोवेशन बी योर मोटिवेशन। ये इस कार्यक्रम के तहत व्याख्यान होगा, प्रायोगिक कक्षाएं होंगी, साथ ही मॉडल दिखाया जाएगा इन लोगों को, मॉडल के साथ पोस्टर कंपटीशन होगा, क्विज कंपटीशन होगा और आपस में वाद विवाद प्रतियोगिता होगी, जिससे इनमें अभिप्रेरण और अन्वेषण की विधा कैसे चलती है ये इनके में जागृत किया जाएगा, जिससे ये स्वावलंबी हों और देश के लिए काम करें।